नमस्कार दोस्तों, शाहरुख खान इन दिनों अपने टशन में। बीते कुछ समय पहले उनकी फिल्म पठान सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए थे। फैंस ने शाहरुख की बहुत तारीफ की थी और अब लोगों को अभिनेता की आने वाली फिल्म जवान का बेसब्री से इंतजार है। कभी इस फिल्म का कोई वीडियो लीक हो जाता तो कोई फोटो, तो अब फैंस की बेसब्री को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने इसके टीजर की रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। शाहरुख खान की जवान को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। मेकर्स ने कहा कि 7 जुलाई या 15 जुलाई को फिल्म का टीजर रिलीज किया जाएगा। मेकर्स फिल्म को लेकर हर मुमकिन जानकारी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे फायदा यह है कि मेकर्स जवान को लेकर क्रेज बना रहे हैं। ऐसे में लोगों में जानने की उत्सुकता बनी रहेगी कि फिल्म में ऐसा क्या होने वाला है जो मेकर्स इतना छिपा रहे हैं। अब यह भी बताया जा रहा है कि फिल्म की रिलीज से ठीक 2 महीना पहले इसका प्रमोशन शुरू होने वाला है। शाहरुख खान और फिल्म के निर्देशक एटली इसे काफी बड़े स्तर पर लॉन्च करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इतने भव्य स्तर पर दर्शकों ने अभी तक बॉलीवुड की किसी फिल्म के टीजर को लॉन्च होते नहीं देखा होगा। इसमें शाहरुख को पहले कभी ना देखे गए अवतार में देखा जाएगा। उन्हें देख दर्शक हैरान रह जाएंगे। निर्माता चेन्नई में जवान का टीजर लॉन्च करने के लिए खास मेहमान को लाने की तैयारी में है और यह तय हो जाने के बाद तारीख भी तय हो जाएगी कि ट्रेलर 7 जुलाई को आएगा या 15 जुलाई को। खबरों के अनुसार पठान के बाद शाहरुख एक और ब्लॉकबस्टर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल तो अब तक के सबसे बड़े डिजिटल लॉन्च टीजर का दर्शकों को इंतजार है। वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान अगली बार सलमान खान की टाइगर 3 में कैमियो रोल करते नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनका एक्शन अवतार देखने को मिलेगा। इसके अलावा वह पठान वर्सेस टाइगर में भी सलमान खान के साथ ही नजर आएंगे। इसी तरह के बॉलीवुड न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।